बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है वैसे ही मेरा फर्स्ट डे उनका दर्शन हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं इधर आई हूँ सुबह लाल बागचे राजा को मेरा मैंने दर्शन किया तो अच्छा लगता है क्योंकि इस फिल्म में मर्दानी इस जो फिल्म मैंने की है उसमें मेरा जो पहला सीन है वो चूहे के साथ होता है तो एक तरफ से बापा का एक आशीर्वाद ही है क्योंकि उनका वाहन मेरे साथ था फिल्म में तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश जी मेरे साथ ही थे फिल्म में और जिस तरह से फिल्म लोकप्रिय हो रही है जिस तरह से लोग फिल्म को चाह रहे हैं ये बापा का ही आशीर्वाद हो सकता है। The festival of Ganesh Mahotsav is an extremely special one for all of us Mumbaikars especially. हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं अपने दोस्तों के घरों में कभी कभी अपने घर में तो आई थिंक हमारे लिए मेरे परिवार के लिए तो बहुत स्पेशल है सारे परिवार की लेडीज़ जो हैं वो खुद किचन में एंटर करती हैं एंड दे गो क्रेजी फॉर दिस फाइव डेज मिठाइयाँ बनाना प्रसाद बनाना और घर पे जिस तरह से पूजा पाठ आरती चलती है इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग इट्स एन अमेजिंग वाइब्रेशन एंड गणेश जी की इम्पोर्टेंस यही है कि लोग कहते हैं वो विघ्नहर्ता हैं वो सारे ऑब्स्टिकल्स को हटाते हैं विघ्नों को हटाते हैं और कोई भी अच्छी चीज़ अगर आप करने जा रहे हैं तो गणेश जी का नाम लेके लोग करते हैं सो इट्स अ गुड फीलिंग मेरे लिए भी एक अच्छा दौर है एक अच्छा फेज़ है एंड दिस टाइम गणेश जी हमारे घर आए वी आर सो ब्लेस्ड शुरू से यही कह रहा हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकार्य सुसर्वदा गणेश प्रथम पूजा के दैवत माता पिता के आशीर्वाद की वजह से और माँ बाप की उन्होंने जो प्रार्थना की उसके वजह से उन्हें प्रथम पूजा का स्थान मिला और ये बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है महाराष्ट्र से ये जो शुरू हुआ और यहाँ से जो ये निकली है प्रथा ये अब संपूर्ण जग में जो है ये प्रसिद्ध हो चुकी है और इतना लोग पूजा पाठ प्रार्थना कर रहे हैं हर जगह पे तो उसकी प्रेरणा का जो स्रोत है वो यही है कि माँ बाप की सेवा जो करते हैं और साथ में रहते हैं जात प्रांत ये सब विचार ना करते हुए साथ हो जाते हैं और साथ होके पूजा प्रार्थना दुआएं करते हैं ये संपूर्ण जो क्रिया है ये क्रिया ही पूजनीय है। इस साल एक्चुअली सारी तैयारियां जो हैं मेरी माँ ने की हैं और हमेशा की तरह और एक्चुअली मेरे छोटे भाई ने क्योंकि इस बार पापा और मैं दोनों ही हमारे काम में थोड़े व्यस्त थे बट जाहिर सी बात है कि यू नो दो चार दिन पहले ही हम आ जाते हैं और यू नो कोशिश की है बट सारा जो प्रेपरेशन आप देख रहे हैं हर साल की तरह इस साल भी इनका डेकोरेशन घर पे ही हुआ है। भगवान हम सब की रक्षा हमेशा करते आए हैं और आगे भी करते ही रहेंगे हम सब की आप सब की आप सब श्रोताओं को गणपति बापा मोरिया गणेश उत्सव की खूब खूब आशीर्वाद और बधाई। आप लोग सबको भी गणपति महोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ और हर साल की तरह ये साल भी हमने गणपति रखा है ये प्रथा मेरे दादा और पिता ने शुरू की थी और मैं और मेरे भाई भी इसको करते हैं अभी और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे भी करेंगे ये हमारी आस्था है हमारा विश्वास है हमारा धर्म है हमें अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है।